हेलो एवरीवन, डॉक्टर जय मेहता फ्रॉम मुंबई। हमारे आज के वीडियो में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये मिलेना होता क्या है। यू नो, एक्चुअली अगर आप देखेंगे तो हमारे कंट्री में एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है जिसको बोलते हैं हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, मतलब पीरियड में ज्यादा ब्लीडिंग होना। पर अपने कंट्री के लेडीज लोग भी बहुत इंटेलिजेंट है, उनको लगता है कि हैवी ब्लीडिंग हुआ मतलब बॉडी का कचरा साफ हो गया। टोटल बकवास है एज यू नो, पर लोगों के माइंड में ये रहता है कि हैवी ब्लीडिंग हो गया ना मतलब मुझे स्वतंत्र वीर पुरस्कार मिलने वाला है। ऐसा कुछ नहीं है। हैवी ब्लीडिंग से आपको अनिमिया होता है, हैवी ब्लीडिंग से आपका हार्ट फेल हो सकता है, हैवी ब्लीडिंग होने की वजह से आपको टायर्डनेस, फटीग, ये सारे चीज, विटामिन डेफिशिएंसी, ये सब कुछ हो सकता है। और ये कोई छाती ठोक के पब्लिक को बोलने वाली बात नहीं है। अंडरस्टैंडिंग इट्स पैथेटिक। इफ यू हैव हैवी ब्लीडिंग दैट मीन्स इफ यू आर चेंजिंग मोर देन 3 to 4 पैड्स अ डे एंड अगर आपका पीरियड 4 दिन से ज्यादा है, इस पूरे चीज को हम बोलते हैं कि वो लेडी को हैवी ब्लीडिंग है। वो बोलते नहीं, मेरी मम्मी को भी था। अबे तो मम्मी को था मतलब क्या? मम्मी को था मतलब तुमको होना मांगता है क्या? एकदम गलत। ये सब जो टाइम पास एक्सक्यूजेस अपने कंट्री में लेडीज लोग देते हैं, इसके वजह से अपने कंट्री में अनिमिया बहुत ज्यादा कॉमन है और वो जरा भी खुश होने की बात नहीं है। हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग मतलब अगर आप ये क्राइटेरिया सेटिस्फाई करते हैं तो आपको खुद के फ्रेंड को नहीं बट एक डॉक्टर करके एक चीज होती है, उनको जाके दिखाना चाहिए। आपके जो डॉक्टर रहते हैं वो आपको ये सिचुएशन में एग्जामिन करेंगे। एग्जामिन करने के बाद में शायद आपके डॉक्टर आपको अल्ट्रासाउंड मतलब सोनोग्राफी करने के लिए बता सकते हैं। ये सोनोग्राफी में टिपिकली, दिस इज सोनोग्राफी ऑफ द पेल्विस जिसको हम बोलते हैं इंटरनल सोनोग्राफी, इसमें यूट्रस का साइज देखा जाता है और साथ में बाजू में जो ओवरी है उसका स्ट्रक्चर कैसा है यह देखा जाता है। यह है यूट्रस और यह है ओवरी। ओके, अब काफी बार बहुत कॉमनली हमारे कंट्री में ऐसा होता है कि जो नॉर्मल यूट्रस का साइज है, अगर आप मेरे प्रीवियस वीडियोस देखेंगे तो आपको पता चलेगा आपके फिस्ट के साइज के जितना आपका यूट्रस होना चाहिए, मतलब अप्रोक्सीमेटली 6 to 8 सेंटीमीटर का जो साइज रहता है यूट्रस का, उस चीज को हम नॉर्मल बोलते हैं। ओके, अगर आपका यूट्रस मान के चलिए साइज में 10 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 14, 16, 18, 25 ऐसा कुछ भी हुआ तो ये टोटल गलत है। दिस इज कॉल्ड एज वेरी बल्की यूट्रस। ओके, और इस यूट्रस को मोस्ट प्रोबेबली ऑपरेशन करने का जरूरत पड़ता है सूनर और लेटर। वो आप पछताओगे 4-5 साल टाइम पास दवा लेके, पर अल्टीमेटली आप ऑपरेशन करवाओगे, उसमें कोई टेंशन नहीं। मिरेना क्या है? यूट्रस का लाइनिंग अंदर से जो हैवी ब्लीडिंग प्रोड्यूस करता है, उन लेडीज में जिसमें यूट्रस का साइज नॉर्मली 10 सेंटीमीटर से कम रहता है, उन लेडीज में जिसमें और कोई हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग मतलब HMB हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग का और कोई कॉज नहीं है, मतलब उनको फाइब्रॉइड, उनको एडिनोमायोसिस, ऑल राइट, उनको पॉलिप, ऐसा कोई भी कॉज अगर नहीं है, तो ये सारे सिचुएशन में मिरेना बोल के एक हार्मोन का ये डिवाइस है ना। लोग अक्सर हमको बताते हैं नहीं नहीं वो क्या है ना, मेरी बॉडी को हार्मोन सूट नहीं करता है। ठीक है, पीरियड पोस्टपोन होने के लिए 50 बार हार्मोन ले चुके हो, वो सूट करता है और इधर का हार्मोन सूट नहीं करता है, ऐसा नहीं होता है। ये हार्मोन है, this is a hormonal device which releases just 20 micrograms of levonorgestrel. ये बहुत ही कम डोज में okay, progesterone रिलीज करता है। ये एक progesterone का variant है। ये बहुत ही कम डोज में ये हार्मोन को रिलीज करता है बॉडी के अंदर, especially यूट्रस के अंदर। इसीलिए जब आपके डॉक्टर को लगेगा कि आपके बॉडी में मिरेना सूट करेगा, तब वो एक ऑफिस प्रोसीजर के माध्यम से यूट्रस के अंदर इस मिरेना करके डिवाइस को ऐसे फिट कर देंगे। ऑलराइट, प्लीज ध्यान में रखिए, ये प्रोसीजर को करने के लिए 2 से 5 मिनट लगता है। ये प्रोसीजर को करने के लिए कोई एनेस्थीसिया नहीं लगता है। ये प्रोसीजर को करने के लिए कोई DNC नहीं लगता है। वो सब चीज आउटडेटेड है। ऑलराइट, ऐसा कुछ भी नहीं लगता है। ये चीज के साथ में शायद आपके डॉक्टर हिस्टेरोस्कोपी बोल के एक ट्रीटमेंट रहता है, वो शायद करते हैं, तो मैं इसको लिखता हूँ हिस्टेरोस्कोपी मे बी। और एक खुशी की बात, आपके हस्बैंड लोग बहुत खुश हो गए ये जान के कि ये प्रोसीजर मेडिक्लेम में कवर होता है। ठीक है, ये सारा चीज इसका एडवांटेज है। पर ये यूज किया जाता है उन लेडीज के लिए जिनका यूट्रस 10 सेंटीमीटर से कम है एंड देयर इज नो अदर आइडेंटिफाइबल कॉज। बराबर है, प्लीज ध्यान में रखिए,
मेरे ना यूज करने के बाद में ऐसा नहीं है कि 100% लोगों को फायदा होगा, मेरे ना यूज करने के बाद में अप्रोक्सीमेटली 75-80% पीपल विल बेनिफिट, मतलब 75-80 लोगों को बेनिफिट होगा। अप्रोक्सीमेटली 25% लोग ऐसे रहेंगे जिनको आगे जाके हिस्टेरेक्टमी मतलब यूट्रस रिमूवल करने की जरूरत पड़ सकती है। ऑल राइट, और फाइनली एक बार आपने ये मिरेना अंदर बिठा दिया, ये नॉर्मली 5 साल के बाद में चेंज करना पड़ता है। एक्चुअली ये कॉपर्टी जैसा ही है, पर कॉपर्टी हार्मोन रिलीज नहीं करता है और मिरेना हार्मोन रिलीज करता है, लोकल इफेक्ट अच्छे से देता है। एक चीज का ध्यान रखना है, अगर आप पे मिरेना ने काम कर दिया तो आपको इरेग्युलर स्पॉटिंग होने का चांसेस होता है, और क्योंकि आपको इरेग्युलर स्पॉटिंग हो सकता है इसीलिए आपको डॉक्टर के साथ में अप्रोक्सीमेटली 12-16 महीना मतलब 1-1.5 साल में फॉलोअप रखना चाहिए जब आपने मिरेना अंदर डलवाया है। ये बहुत कॉस्ट इफेक्टिव प्रोसीजर है उन लोगों के लिए जिसमें इसका इंडिकेशन है। इसलिए कल सुबह को उठ के ये वीडियो देख के आपके डॉक्टर को जाके ये मत बोलना नहीं नहीं मेरे में मिरेना डाल के दो, ऐसा नहीं होता है। आपके डॉक्टर ने अगर यूट्रस रिमूव करने के लिए सोचा है तो कुछ सोच समझ के ही किया होगा, अंडरस्टैंडिंग। किसी को मजा नहीं आता किसी और का यूट्रस निकालने में, कोई इंडिकेशन होगा, उनको लगा होगा कि आपको यूट्रस निकालने का ज्यादा फायदा है, इसके लिए उन्होंने ये डिसाइड किया होगा। बट अगर आपको मिरेना डालने के लिए बोला गया है, देन आई होप ये वीडियो को लेके आपको काफी इन्फॉर्मेशन, जो पूरी बेसिक इन्फॉर्मेशन है मिरेना की, वो मिली होगी। एनी फर्दर क्वेश्चंस आप हमारे कमेंट्स में डाल सकते हैं, मेरे कोई टीम मेंबर्स आपको इस चीज पे जरूर आंसर करेंगे। थैंक यू सो मच।